आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं हूं मानस पांडे पहले तो मैं बता दूं अगर आप नए हैं तो मैं अब आपको यूपी पीसीएस आरओ एस ए और खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की एक साथ तैयारी करवा रहा हूं ठीक है ना हर एक पार्ट की मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूँ टेस्ट सीरीज से लेकर सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज से लेकर के सबसे बेहतरीन क्लास सबसे बेहतरीन पी हर चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्रलिम से लेकर के मेंस तक इन तीन एग्जाम के लिए फिलहाल तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए ठीक मैं बता दूं कि कल जो मैंने आपको टारगेट दिया था पहले आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए देखिए एक साथ क्या तीनों का मैक्सिमम पार्ट जो जीएस वाला पार्ट है ना वो सेम है जब जी वाला पार्ट सेम है भैया जो जो चीजें सेम है उनको एक साथ कंप्लीट करिए अच्छा देखिए टारगेट क्यों जरूरी है ये समझ लीजिए आप में से 90 परसेंट बच्चे तब पढ़ना शुरू करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है यही सबसे बड़ी बेवकूफी होती है आपको तब से पढ़ना शुरू करना है। जैसे आज से आप डेली अगर दो दो घंटे सिर्फ मेरा टारगेट पूरा कर देंगे तो मेरे दिए हुए टारगेट पे काम करेंगे तो आप पाएंगे कि डेढ़ दो महीने में आपकी ऑलमोस्ट तैयारी जीएस वाले पार्ट की हो चुकी होगी जैसे टारगेट से फायदा यह है कि जब और इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इतना आज पढ़ना है अब मैंने आपको सेट करके दे दिया कि आज चौबीस घंटे में आपको इतना पढ़ना है तो कल आप मेरी वीडियो देखेंगे कल आप अपने आप से बुक पढ़ेंगे और कल ही आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपका एक टॉपिक आपने खुद से तैयार किया तो आपको अलग से खुद की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं बस जो मैं टारगेटेड दे रहा हूँ बस आप उनको सिंपली पूरा करिए आप पाएंगे कि आपका प्रिलिम्स और मेन्स आराम से निकलेगा ठीक है ना मेंस के लिए भी मैंने यूपी एस के लिए शुरुआत कर दी है आर ओ आर ओ के लिए भी मैं शुरुआत कर दूंगा ठीक जल्दी ही शुरुआत कर दूंगा अब देखिए करना क्या है ये समझ लीजिए सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यस सर कल जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो आपने कितना पूरा किया तीन ही तो छोटे छोटे टारगेट थे तीनों एग्जाम के लिए एक साथ है तो आपको कहीं भागना नहीं जहाँ पे चेंज आएगा ना वो मैं चेंज आपको जरूर बता दूंगा ठीक है ना तो सबसे पहला काम था कि आप कमेंट बॉक्स में दो चीज कमेंट करेंगे कि कल जो मैंने टारगेट दिया आपको वो आपने कितना पूरा किया दूसरा जो मैं आज टारगेट दे रहा हूं क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं मैं देखता हूं रोज कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट को जैसे टूडे अर्ली इन द मॉर्निंग आई सॉ दैट देर इज ए स्टूडेंट हुज नेम इज वंशिका चौधरी आई थिंक इफ यू आर देयर यू कैन रेज यूर हैंड इन कमेंट बॉक्स तो उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर आज मैंने हंड्रेड परसेंट पूरा किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सुबह देखता हूँ या शाम को देखता हूँ कि यार मैं कुछ बोल रहा हूँ आप मुझे वैसे ही अब आप मुझे अपना दोस्त मानिए बड़ा भाई मानिए चाहे जो भी मानिए ठीक वीडियो को जरूर लाइक करिए ताकि और लोगों को भी पता चले कि भाई इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा सिर्फ मैं टारगेट दे रहा हूँ उसको पूरा करिए आपका प्रसमस निकल जाएगा इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है भैया कोचिंग में चालीस हजार पचास हजार एक लाख आप दे रहे हैं वो वेस्ट है कोई मतलब नहीं है ऐसे ठीक कोचिंग जब मैं शुरू करूंगा तो दो से तीन हजार में शुरू करूंगा आप भी ये देखेंगे जब कभी बारी आई तो वैसे तो मैं कभी कोई प्लान नहीं है मैं ऑलरेडी एक वर्किंग एम्प्लॉई हूं मुझे अलाउड ही नहीं है अभी इतना कुछ बट फिर भी अब आ जाइए आज के टारगेट पे आज है टारगेट नंबर दो का दिन ध्यान से सुनिए टारगेट नंबर दो में आपको मैंने कल जो टारगेट दिया था उसमें मैंने आपको दिया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रस्तावना जिसमें प्रस्तावना ने में आपने अलग अलग फीचर्स पढ़े होंगे जैसे लोकतंत्र क्या होता है डेमोक्रेसी क्या होती है और सेकुलरिज्म uh, क्या होता है ये सबकी डेफिनेशन मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है ठीक ये हो गया पहला पार्ट आज मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूं पहला टारगेट लिख लीजिए फर्स्ट टारगेट है कि आपको संविधान की बनावट याद रखिएगा संविधान की बनावट और संविधान का बुनियादी ढांचा दो चीज आपको पढ़ना है संविधान की बनावट एक बड़ा टॉपिक है क्यों बड़ा टॉपिक है क्योंकि यहां से बहुत फैक्ट हैं और बहुत सारे डेटा हैं कैसे कितने लोग शामिल हुए यूपीपीसीएस में यही सब पूछता है और सबसे जरूरी जब आप पढ़ रहे होंगे तो याद रखिए सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखनी है पहला काम तीन से चार वीडियो है शायद संविधान की बनावट में दो से तीन वीडियो है और एक वीडियो है संविधान की बुनियादी ढांचा तो सिंपल चार वीडियो दो टॉपिक आपको आज कंप्लीट कर रहे हैं पंद्रह दिन में यूपी ये जो इंडियन पॉलिटी है वो पूरा खत्म हो जाएगा दस से बारह दिन में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पच्चीस प्रश्न यूपी पीसीएस का है जो पंद्रह प्रश्न आर ओ का है और जो आठ प्रश्न बीईओ का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्यों भाई बड़े टॉपिक से ही शुरू करते हैं ठीक है ना तो सबसे पहला टॉपिक है आज लिख लीजिए नंबर वन आज का जो टारगेट है वो है संविधान का बुनियादी ढांचा आपको पूरा करना है दूसरा संविधान की बनावट दो चीज आपको पूरी करनी है ठीक है ना उसके बाद अभी क्या होगा <coughs> अभी मैं उसको फिलहाल यूपी पीसीएस वाले फोल्डर में डाल रहा हूँ फुल लेंथ टेस्ट में इंडियन पॉलिटी का दूसरा अपलोड करूंगा दो फुल लेंथ टेस्ट में अपलोड करूंगा एक ऑलरेडी मैं कल अपलोड कर चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था यूट्यूब पे भी दिया था आज मैं दूसरा दूंगा टेस्ट नंबर फुल लेंथ टेस्ट डेढ़ सौ प्रश्नों का इंडियन पॉलिटी का वो मैं यूपी पीसीएस वाले पे भी अपलोड करूंगा और आर ओ पे भी अपलोड कर दूंगा ठीक है ना बीयो पे भी नहीं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चेंज करके मैं बी में डालना चाह रहा हूँ ठीक तो दो चार दिन में उसमें भी अपलोड हो जाएगा ठीक तो ये है पहला टारगेट ठीक क्या पहला टारगेट का मतलब संविधान का बुनियादी ढांचा और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पहले आप मेरा वीडियो देखेंगे जब आप वीडियो देख लेंगे तो आप उठाएंगे एम लक्ष्मीकांत उससे आप इसको पूरा रिवाइज करेंगे ठीक एम लक्ष्मीकांत से जब आप रिवाइज कर लेंगे तो एक डेढ़ सौ प्रश्न का फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे जो अभी नौ बजे से जब आपको वीडियो अपलोड हो रही होगी तभी ये मिल जाएगा यूपीपीसीएस वाले फोल्डर पे और आरवीआरओ फोल्डर पे भी मिल जाएगा ठीक है ना एक सौ चालीस प्रश्न होते हैं आर ए आर ओ में और डेढ़ सौ प्रश्न होते हैं यूपीपीसीएस में यही आपको दो आज अटेम्प्ट करना है किसी भी हाल में याद रखिए इतना काम करना है और तीसरा काम जो करना है वो है जनवरी का दूसरा जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स टू कंप्लीट करना है तो पढ़ना है नंबर दो तीसरा काम है फुल डेढ़ सौ प्रश्न का यही टॉपिक पे बेस्ड डेढ़ सौ प्रश्न का फुल लेंथ इंडियन पॉलिटी का पे हो जाएगा और डेढ़ सौ प्रश्न यूपी पीसी सौ चालीस प्रश्न आर आरो पे अपलोड हो जाएगा कब फुल लेंथ वाले में उसको जरूर अटेम्प्ट करिए और अच्छे से रटिए उसको और तीसरा काम जनवरी का दूसरा नंबर जो करंट वाला है उसको पूरा रट डालिए थैंक यू सो मच मिलते हैं कल के टारगेट में एक बार फिर से